गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी विद अभिमान। सो आज मैं आप लोगों के लिए यूपी पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम 2021 से रिलेटेड एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट वीडियो लेकर आया हूँ। तो मैं आपको सबसे पहले ये बता दूं कि आप लोगों की ऑनलाइन काउंसलिंग का ऑफिशियल शेड्यूल आ चुका है। तो आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को यहाँ पे काउंसलिंग से रिलेटेड सभी मोस्ट इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन डिटेल में बताने वाला हूँ। तो आज की वीडियो आप लोगों के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट होने वाली है। वीडियो को स्टार्टिंग से लेके एंड तक जरूर देखिएगा, तभी आपको यहाँ पे सभी बातें अच्छे से समझ में आएंगी। तो चलिए फिर आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि आप लोग अपने स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे होंगे, यहाँ पे लिखा हुआ है यूपी जेई पॉलिटेक्निक 2021 ऑनलाइन काउंसलिंग शेड्यूल फर्स्ट टू थर्ड राउंड फॉर क्वालिफाइड कैंडिडेट्स ऑफ यूपी स्टेट। तो मैं आपको सबसे पहले ये बता दूं, जो काउंसलिंग यहाँ पे होगी फर्स्ट राउंड से लेकर के थर्ड राउंड तक, इसमें केवल यूपी के कैंडिडेट्स यानी यूपी के जो क्वालिफाइड कैंडिडेट्स होंगे यानी यूपी के जो क्वालिफाइड स्टूडेंट्स होंगे वही इस काउंसलिंग में भाग ले सकते हैं, वही पार्टिसिपेट कर सकते हैं। और जो अदर स्टेट के स्टूडेंट्स हैं उन लोगों की काउंसलिंग होगी फोर्थ राउंड से, यानी वो लोग फोर्थ राउंड से काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर पाएंगे। लेकिन स्टार्टिंग के जो तीन राउंड आप लोगों के हैं ये केवल यूपी के क्वालिफाइड कैंडिडेट्स के लिए है, साफ साफ यहाँ पे लिखा हुआ है। और अभी मैं आपको नीचे डिटेल में पढ़ के बता दूंगा, पूरा इंस्ट्रक्शन यहाँ पे आपका दिया हुआ है डिटेल में। तो चलिए सबसे पहले हम यहाँ पे काउंसलिंग एक्टिविटीज़ देख लेते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ, जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे, यहाँ पे सबसे पहले काउंसलिंग एक्टिविटीज़ आपकी लिखी हुई है, यहाँ पे डेट दी हुई है और यहाँ पे आपकी क्रम संख्या दी गई है। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, फर्स्ट पॉइंट देखिए, यहाँ पे लिखा है, देखिए फर्स्ट राउंड रजिस्ट्रेशन यानी फर्स्ट राउंड काउंसलिंग के लिए रजिस्ट्रेशन आपका कब स्टार्ट होगा। ये आपका स्टार्ट होगा, देखिए जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे, 14 सितंबर 2021 से यानी 14 सितंबर 2021 से 16 सितंबर 2021 तक आप लोग यहाँ पे फर्स्ट राउंड रजिस्ट्रेशन यानी फर्स्ट राउंड काउंसलिंग के लिए रजिस्ट्रेशन कर पाएंगे। और यहाँ पे आपको वन टाइम पेमेंट ऑफ रजिस्ट्रेशन फीस देनी होगी। देखिए काउंसलिंग रजिस्ट्रेशन फीस कितनी है ये मैं आपको बता देता हूँ, इस बार आप लोगों की 300 रुपये फीस लगने वाली है, ठीक है। 300 रुपये ये रजिस्ट्रेशन फीस लगेगी काउंसलिंग के लिए और ये आपको एक बार ही देनी है। देखिए जैसे कोई स्टूडेंट है वो फर्स्ट राउंड से काउंसलिंग करवाना स्टार्ट करता है तो उसको एक बार फर्स्ट राउंड में ही 300 रुपये देने होंगे रजिस्ट्रेशन फीस के। और जैसे मान लीजिए कोई स्टूडेंट फर्स्ट राउंड में काउंसलिंग नहीं करवाता, वो सेकेंड राउंड से स्टार्ट करता है तो सेकेंड राउंड में उसको 300 रुपये देने पड़ेंगे, ठीक है। यानी एक बार ही आप लोगों को यहाँ पे रजिस्ट्रेशन फीस सबमिट करनी है, ठीक है। और जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे साफ साफ यहां लिखा है ओनली फॉर यूपी स्टेट कैंडिडेट्स, ये मैंने आपको पहले ही बता दिया, स्टार्टिंग के जो तीन राउंड है इसमें केवल यूपी के स्टूडेंट्स ही यहां पे पार्टिसिपेट कर पाएंगे काउंसलिंग में। तो यहां पे जो रजिस्ट्रेशन आप लोगों का होगा 14 सितंबर से लेकर के 16 सितंबर 2021 तक होगा, यहां पे साफ साफ लिखा हुआ है। फिर इसके बाद सेकेंड पॉइंट क्या लिखा है, सेकेंड पॉइंट यहां पे लिखा है कि फर्स्ट राउंड के लिए चॉइस फिलिंग और लॉकिंग यहां पे कब से होगी। तो यहां पे लिखा हुआ है 15 सितंबर से 16 सितंबर 2021 तक, जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे, यानी फर्स्ट राउंड के लिए जो आप चॉइस सेलेक्ट करेंगे किस कॉलेज में आप लोग एडमिशन लेना चाहते हैं, किस ब्रांच के थ्रू आप लोग एडमिशन लेना चाहते हैं, तो चॉइस लॉकिंग और चॉइस फिलिंग, देखिए यहां पर लिखा है ना चॉइस फिलिंग एंड लॉकिंग, ये आपकी होगी 15 सितंबर से लेकर के 16 सितंबर 2021 तक। और यहाँ पे देखिए ब्रैकेट में लिखा है अनलिमिटेड चॉइसेस में बी फिल्ड, यानी आप यहाँ पे अनलिमिटेड चॉइस फिल कर सकते हैं। आप अपना कॉलेज सेलेक्ट कर लीजिए, कौन सा कॉलेज आपके लिए, किस कॉलेज में आपको इंटरेस्ट है, जो कॉलेज आपको बेस्ट लगता है वो आप सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे मैंने बताया जिन स्टूडेंट्स के नंबर कम है सोच समझ के कॉलेज आपको सेलेक्ट करना है, पहले आपका रिजल्ट आ जाने दीजिए, मैं आपको पूरी इंफॉर्मेशन बताऊंगा कि कौन से कॉलेज आप लोगों को सेलेक्ट करने हैं जिनके नंबर यहां पे कम है, ठीक है। तो ये सेकंड पॉइंट मैंने आपका यहां पे क्लियर कर दिया, यहां पे आपको अपनी चॉइस फिल करनी है, कॉलेज सेलेक्ट करना है, ब्रांच सेलेक्ट करनी है, फिर उसके बाद यहां पे आपको लॉकिंग करनी है, ठीक है। अब इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्या दिया, थर्ड पॉइंट आपका यहां पे दिया है
फर्स्ट राउंड ऑफ सीट अलॉटमेंट। देखिए इसका रिजल्ट कब आएगा, इसका रिजल्ट आएगा आपका 17th ऑफ सितंबर 2021 को, यानी 17 सितंबर को फर्स्ट राउंड का जो आप यहां पे चॉइस फिल करेंगे और चॉइस लॉक करेंगे उसका रिजल्ट आएगा। आपको पता चलेगा कि आपको कौन सा कॉलेज अलॉट हुआ है। फर्स्ट राउंड का जो सीट अलॉटमेंट का रिजल्ट होगा वो आएगा 17 सितंबर को, जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे, ठीक है। फिर इसके बाद फोर्थ पॉइंट यहाँ पे क्या लिखा है, फोर्थ पॉइंट लिखा है तब देखिए जब आपका सीट अलॉटमेंट का रिजल्ट आ जाएगा तब आपको यहाँ पे दो में से एक ऑप्शन आपको चूज करने होते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है ऑनलाइन फ्रीज फ्लोट चॉइस सेलेक्शन। अब देखिए ये फ्रीज क्या होता है, फ्लोट क्या होता है, अभी मैं आपको डिटेल में समझा दूंगा। देखिए आपको यहाँ पे जब आपका अलॉटमेंट का रिजल्ट आ जाएगा सीट अलॉटमेंट का तब आपको यहाँ पे फ्रीज या फ्लोट में से एक ऑप्शन सेलेक्ट करना होगा, ठीक है। अब देखिए बाय चांस आप लोग यहाँ पे देखिए आपको एक अच्छा कॉलेज मिल जाता है एक अच्छी ब्रांच से, तो आप लोग क्या करेंगे, फ्रीज का ऑप्शन चूज करेंगे। देखिए आपका सीट अलॉटमेंट का रिजल्ट आया, जो कॉलेज आप चाहते थे वो कॉलेज आपको मिल गया और प्लस आपको जो ब्रांच चाहिए थी वो भी मिल गई, तो आप लोग क्या करेंगे, आप लोग फ्रीज का ऑप्शन चूज करेंगे। और अगर आप लोग फ्रीज का ऑप्शन चूज करेंगे तो आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जाना होगा। देखिए डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आप लोग अपनी ही डिस्ट्रिक्ट में करवा सकते हैं, वो आपको काउंसलिंग के समय सेलेक्ट करना है। मैं आपको यही रिकमेंड करूंगा अपनी डिस्ट्रिक्ट चूज कीजिएगा, तो आप यहां पे अपनी डिस्ट्रिक्ट की हेल्प सेंटर पे जा करके आप लोग अपना यहां पे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवा पाएंगे जो लोग फ्रीज का ऑप्शन चूज करेंगे, ठीक है। अब यहां पे बात आती है ये फ्लोट का ऑप्शन क्या होता है। फ्लोट मतलब ये हो जाएगा जो आपका सीट अलॉटमेंट का रिजल्ट आया है आपको कॉलेज भी मिला प्लस ब्रांच मिली हुई है, वो कॉलेज और ब्रांच आपको पसंद नहीं है, क्या है आपको नहीं पसंद है, तो आप लोगों को क्या करना है, फ्लोट का ऑप्शन सेलेक्ट करना होगा। इसका मतलब ये हो जाएगा जो कॉलेज एंड ब्रांच आपको मिली है वो आप नहीं लेना चाहते हैं, ठीक है, जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे ये लिखा हुआ है। लेकिन अभी यहां पे एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कि नेक्स्ट स्टेप में दिया है, अभी मैं आपको समझाऊंगा, ठीक है। अब देखिए ये प्रोसेस होगी कब से, 18th ऑफ सितंबर 2021 से लेकर 19th ऑफ सितंबर 2021 तक अप टू 5 PM ओनली आपका समय भी यहां पे लिखा हुआ है। देखिए अभी फ्रीज और फ्लोट से रिलेटेड एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आपका नेक्स्ट दिया हुआ है जो पॉइंट नंबर 5 है, इसको समझिएगा अच्छे से। तो यहां पे क्या लिखा है, फिफ्थ पॉइंट देखिए यहां पे लिखा है फर्स्ट राउंड सिक्योरिटी फीस ₹3,000 डिपोजिशन बाई फ्लोट कैंडिडेट्स। अब बहुत ही ध्यान से इसको समझिएगा, यहां पे आपसे गलती नहीं होनी चाहिए। देखिए अगर आप लोग फ्लोट के ऑप्शन को सेलेक्ट करते हैं इसका मतलब क्या होता है, फ्लोट के ऑप्शन का आपका ये मतलब होता है कि आपको कॉलेज वो पसंद नहीं है, तो इसके लिए देखिए आपको ₹3,000 देने पड़ेंगे, ये सिक्योरिटी फीस होगी, ठीक है, ये सिक्योरिटी फीस आपको देनी पड़ेगी जो लोग फ्लोट का ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। अगर आप लोग सिक्योरिटी फीस नहीं देंगे तो फिर जो आगे के दो राउंड होंगे उसमें आप काउंसलिंग नहीं करवा पाएंगे, मैं आपको पहले ही बता दे रहा हूं। अब देखिए आप लोग ये सोच रहे होंगे कि मुझे कॉलेज तो पसंद नहीं है ना ही ब्रांच पसंद आई, मैंने फ्लोट ऑप्शन सेलेक्ट कर लिया तो फिर मुझे यहां पे 3,000 क्यों देने हैं, तो मैं आपको समझा दूं। देखिए आपका यहां पे फर्स्ट राउंड का जो सीट अलॉटमेंट का रिजल्ट आएगा आपको कॉलेज मिला ब्रांच मिले लेकिन ये दोनों आपको पसंद नहीं है, लेकिन फिर भी आपको ₹3,000 सिक्योरिटी फीस देनी होगी इस सीट के रिजर्वेशन के लिए। क्यों देनी पड़ रही है, सीट के रिजर्वेशन के लिए। बाय चांस मान लीजिए यहां पे आपने यहाँ पे फर्स्ट राउंड काउंसलिंग करवाई, आपको कॉलेज ब्रांच मिल गई और कॉलेज ब्रांच आपको पसंद नहीं है और आपने ₹3,000 यहाँ पे जमा कर दिए हैं, ठीक है। फिर जब आप अगले राउंड में काउंसलिंग करवाने के लिए जाएंगे सेकेंड राउंड में, देखिए पहली बार सेकेंड राउंड में काउंसलिंग में हिस्सा लेने के लिए ये 3,000 तो आपको जमा ही करने होंगे, ठीक है। तो जब सेकेंड राउंड में आप जाएंगे वहां पे अपनी चॉइस फिलअप करेंगे, ब्रांच सेलेक्ट करेंगे, जब सीट अलॉटमेंट का रिजल्ट आएगा, ठीक है, तो वहां पे आपको आपका मनपसंद कॉलेज और ब्रांच दोनों मिल जाती है, तो ये जो ₹3,000 होंगे उसी में आपके ऐड हो जाएंगे, यानी एक ही बार आपको ₹3,000 देने हैं, बार बार नहीं देने हैं।
और देखिए बाय चांस सेकेंड राउंड में जो आपने कॉलेज सेलेक्ट किया या फिर ब्रांच सेलेक्ट की वो आपको नहीं मिली, और बाय चांस आपको मिली भी तो वो पहले राउंड में जो आपको कॉलेज और ब्रांच मिला था उससे खराब मिल गया, तो आपके पास ये ऑप्शन होगा कि जो फर्स्ट राउंड में आपको यहाँ पे, ठीक है, फर्स्ट राउंड में आपको जो कॉलेज एंड ब्रांच मिली है वो आप फिर से ले सकते हैं, यानी उस कॉलेज में जाके आप एडमिशन करवा सकते हैं। इसीलिए आप लोगों से यहाँ पे 3,000 रुपये लिया जा रहा है ताकि आपकी सीट रिजर्व हो जाए। कहने का मतलब ये हो जाएगा अगर 3,000 रुपये आपने दे दिए यहाँ पे तो जो फर्स्ट राउंड में आपको कॉलेज मिला रहेगा वो आपके पास सेफ रहेगा। बाई चांस सेकेंड राउंड में या फिर अगले और राउंड में आपको अच्छा कॉलेज नहीं मिला, फर्स्ट राउंड में ही अच्छा मिला हुआ है, तो आप अपना एडमिशन करवा पाएंगे। तो इसीलिए ये आपको 3,000 रुपये देने हैं, और देखिए ये मस्ट है, अगर 3,000 नहीं देंगे तो आगे की 2 काउंसलिंग में आप लोग भाग नहीं ले पाएंगे, ये आपको ध्यान रखना है। जो फर्स्ट राउंड में यहाँ पे रजिस्ट्रेशन करेंगे उनकी बात मैं यहाँ पे कर रहा हूँ। तो आई होप आपका ये डाउट क्लियर हो गया होगा, ये फ्लोट वालों के लिए था। अब फ्रीज वालों को क्या करना है, जिनको कॉलेज भी पसंद आ गया प्लस ब्रांच भी पसंद आ गई, मनपसंद ब्रांच मिली है, मनपसंद कॉलेज मिला है, तो फ्रीज वालों को क्या करना है, फ्रीज वालों को यहां पे पूरी फीस जमा करनी होगी, जितनी भी आप लोगों की फीस होगी वो आपको यहां पे जमा करनी होगी एडमिशन के लिए। करीब 11,000 से 12,000 फीस होती है, तो ये आपको सबमिट करना होगा। जो लोग फ्रीज का ऑप्शन चुनेंगे, ध्यान रखिएगा फ्रीज वालों को क्या करना है, फ्रीज का मतलब ये है कि आपको कॉलेज एंड ब्रांच दोनों पसंद है, आप एडमिशन लेना चाहते हैं उस कॉलेज में, तो आपको यहां पे पूरा फीस आपको सबमिट करनी होगी। यहाँ पे लिखा हुआ है, साफ साफ लिखा हुआ है यहाँ पे, इंस्टीट्यूट फी डेपोजिशन बाय, ठीक है, जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे, द फ्रीज कैंडिडेट थ्रू देयर लॉगिन, अपने लॉगिन के थ्रू ऑनलाइन आपको यहाँ पे पूरी फीस जमा करनी होगी जो लोग फ्रीज का ऑप्शन यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे, ये आपको ध्यान रखना है। और देखिए जैसे ही यहाँ पे आप लोग को ध्यान रखना है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की जो आपको डेट दी गई है उसी डेट के अंदर आपको यहाँ पे अपना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवा लेना है, अगर नहीं करवाएंगे तो आपका एडमिशन नहीं हो पाएगा, ये आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पे देखिए ऊपर आपका दिया हुआ है, जब आप लोग यहाँ पे देखिए जो फ्रीज करेगा उसी को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाना है, जो फ्लोट करेगा वो अगले राउंड में काउंसलिंग के लिए एलिजिबल हो जाएगा, 3,000 रुपये देकर वो अपनी सीट रिजर्व कर सकता है, ये ऑप्शन यहाँ पे आपका दिया गया है। और अगर नहीं देंगे 3,000 रुपये तो अगले राउंड में आप एलिजिबल नहीं होंगे। अभी नीचे इंपॉर्टेंट पॉइंट दिए गए हैं, वो मैं आपको पढ़ के बता दूंगा। तो देखिये यहाँ पे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए आपकी डेट यहाँ पे दी गई है, ये सब आपको कर लेना है, फिर इसके बाद आपको फीस यहाँ पे सबमिट करनी है। देखिये फीस सबमिट की डेट आपकी क्या दी गई है, यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है 18/9/2021 से, यानी 18th of September 2021 से लेकर के 19th of September 2021 तक आपको फीस सबमिट कर देनी है, और इसी ही बीच में आपको यहाँ पे अपना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी करवाना है। ऊपर आपकी डेट लिखी हुई है, डेट आपको अच्छे से चेक कर लेनी है, यहाँ पे साफ साफ लिखा है, इसीलिए इतना डिटेल में बता दे रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ से फिर फर्स्ट राउंड कंप्लीट हो जाएगा, फिर इसके बाद यहाँ पे देखिए पॉइंट नंबर 6 पे आपका लिखा है, यहाँ से आपका सेकेंड राउंड के लिए रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होगा। यहाँ पे देखिए सेकेंड राउंड न्यू रजिस्ट्रेशन, अब जैसे मान लीजिए आपने फर्स्ट राउंड में रजिस्ट्रेशन करवाया हुआ है तो सेकेंड राउंड में आपको यहाँ पे रजिस्ट्रेशन फीस देने की जरूरत आपको नहीं पड़ेगी क्योंकि आपने पहले से ही रजिस्ट्रेशन फीस सबमिट कर दी है, ठीक है। तो यहाँ पे सेकेंड राउंड के लिए न्यू रजिस्ट्रेशन, वन टाइम पेमेंट ऑफ रजिस्ट्रेशन फीस, यहाँ पे साफ साफ लिखा, ये तो मैंने आपको ऊपर ही समझा दिया, ये स्टार्ट होगा यहाँ पे 20 सितंबर 2021 से लेकर के 21 सितंबर 2021 तक आप लोग यहाँ पे रजिस्ट्रेशन करवा पाएंगे। फिर इसके बाद 7th पॉइंट आपका लिखा है, सेकेंड राउंड चॉइस फिलिंग एंड लॉकिंग बाई न्यू कैंडिडेट्स एंड फ्लोट कैंडिडेट्स। अब देखिए आपने फ्लोट का ऑप्शन सेलेक्ट किया है तो आप सेकेंड राउंड के लिए एलिजिबल होंगे, और आप भी लोग यहाँ पे जो कॉलेज आप चाहते हैं उसे सेलेक्ट कर सकते हैं एंड ब्रांच सेलेक्ट कर सकते हैं। और यहाँ पे लिखा है फ्लोट कैंडिडेट्स ऑफ फर्स्ट राउंड, यानी फर्स्ट राउंड में जिन्होंने फ्लोट का ऑप्शन सेलेक्ट किया है वो यहाँ पे अपना कॉलेज लॉक कर पाएंगे, मतलब सीट सेलेक्ट कर पाएंगे जो आप चाहते हैं, जिस कॉलेज में आप लोग एडमिशन चाहते हैं, ब्रांच चाहते हैं, वो आप सेलेक्ट कर पाएंगे और चॉइस अपनी लॉक कर पाएंगे, और अनलिमिटेड चॉइस
में भी फिल्ड ये आपका यहाँ पे लिखा हुआ है। डेट आपकी लिखी है 20/9/2021 से 21/9/2021, यानी सेम उसी दिन जिस दिन आप लोग रजिस्ट्रेशन करेंगे उसी बीच में आपको यहाँ पे ये काम करना है। फिर इसके बाद यहाँ पे पॉइंट नंबर 8 लिखा है, सेकेंड राउंड ऑफ सीट अलॉटमेंट, यानी इसका रिजल्ट कब आएगा सेकेंड राउंड का, ये आपका आएगा 22 सितंबर को 2022। जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे 22/9/2021 इसी डेट को आपका सीट अलॉटमेंट का रिजल्ट आ जाएगा। फिर इसके बाद यहाँ पे देखिए सीट अलॉटमेंट का रिजल्ट आते ही आपको पता चल जाएगा कि आपको कॉलेज क्या मिला है, आपको किस कॉलेज में एडमिशन मिला है, किस ब्रांच के थ्रू। फिर इसके बाद यहाँ पे पॉइंट नंबर 9 समझिए, फिर वही बात, ऑनलाइन फ्रीज एंड फ्लोट चॉइस सेलेक्शन, ये मैंने आपको ऊपर समझा दिया। अगर आपको कॉलेज और ब्रांच आपके पसंद की मिली है तब आपको फ्रीज करना है। फ्रीज का मतलब ये होता है कि आपको कॉलेज एंड ब्रांच दोनों पसंद है, आप एडमिशन लेना चाहते हैं। फ्रीज का ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे तो आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जाना होगा। डेट आपकी लिखी है यहाँ पे 23 सितंबर 2021 से लेकर के 24 सितंबर 2021 के बीच में, और यहाँ पे टाइम लिखा है अप टू 5 PM ओनली, साफ साफ आपका यहाँ पे लिखा हुआ है। फ्रीज वालों को क्या करना है, यहाँ पे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराना होगा, और जो फ्रीज ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे कैंडिडेट्स उनको अपने लॉगिन के थ्रू पूरी फीस सबमिट करनी है, ये ध्यान रखिएगा। नीचे लिखा हुआ अभी मैं आपको समझा दूंगा। फिर यहाँ पे फ्लोट चॉइस, देखिए अब सेकेंड राउंड की बात आती है, सेकेंड राउंड में भी आपको यहाँ पे जैसे देखिए बहुत सारे स्टूडेंट सेकेंड राउंड में पहली बार रजिस्ट्रेशन करेंगे, या फिर फर्स्ट राउंड वाले भी सेकेंड राउंड में यहाँ पे काउंसलिंग करवाने के लिए आएंगे, तो अगर आपको फिर से जो फर्स्ट राउंड वाले हैं उनको फिर से यहाँ पे कोई कॉलेज अच्छा नहीं मिला या ब्रांच अच्छी नहीं मिली, फ्लोट का ऑप्शन आप लोग सेलेक्ट कर सकते हैं। इसका मतलब ये हो जाएगा कि आपको यहाँ पे ब्रांच एंड कॉलेज नहीं पसंद आया, और जो न्यू कैंडिडेट्स होंगे सेकेंड राउंड से ही रजिस्ट्रेशन करवाया उन्होंने, अगर उनको भी नहीं पसंद आता तो वो लोग फ्लोट का ऑप्शन यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं। इसका मतलब आपको जो कॉलेज मिला हुआ, जो ब्रांच मिली है वो आपको पसंद नहीं आई है, आप फ्लोट का ऑप्शन सेलेक्ट कर रहे हैं। लेकिन 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 ध्यान रखिएगा, फ्लोट का ऑप्शन सेलेक्ट किया है तो आपको 3,000 रुपए यहाँ पे सिक्योरिटी फीस देनी होगी, जो आपको कॉलेज एंड ब्रांच मिली है उसके रिजर्वेशन के लिए, ध्यान रखिएगा रिजर्वेशन के लिए। अब जैसे मान लीजिए फर्स्ट राउंड में आप यहाँ पे 3,000 पहले से देकर आए हुए हैं तब आपको यहाँ पे देने की जरूरत नहीं होगी। अगर सेकेंड राउंड में आपको आपके मनपसंद का कॉलेज मिल गया जो फर्स्ट राउंड में आपको नहीं मिला था, तो आपके वहाँ पे जो 3,000 है वो यहाँ पे ऐड हो जाएंगे, आपको अलग से नहीं देना है। एक ही बार आपको सिक्योरिटी फीस देनी है, जो फ्लोट चॉइस सेलेक्ट करेंगे स्टूडेंट्स, मैं उनकी बात यहाँ पे कर रहा हूँ। और बाय चांस देखिए, अगर आपने सेकेंड राउंड में यहाँ पे न्यू रजिस्ट्रेशन किया है, यानी सेकेंड राउंड से ही आप लोग अपनी काउंसलिंग स्टार्ट करवा रहे हैं, तब आपको 3,000 देने होंगे पहली बार, एक बार आपको देना है सीट रिजर्वेशन के लिए, सिक्योरिटी फीस के लिए, ध्यान रखिएगा। अगर नहीं देंगे तो फिर थर्ड राउंड में आप काउंसलिंग नहीं करवा पाएंगे। ये न्यू कैंडिडेट्स के लिए बोल रहा हूं जो दूसरे राउंड से काउंसलिंग स्टार्ट करवाएंगे, और जिन्होंने फर्स्ट राउंड से स्टार्ट करवाई है 3,000 रुपए पहले ही दे दिया है तो उनको एक ही बार देना था, एक बार दे दिया है, अब आपको बार बार देने की जरूरत नहीं है, आप सभी राउंड में काउंसलिंग करवा पाएंगे, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना, ये सिक्योरिटी फीस क्यों ली जा रही है, आपको जो कॉलेज एंड ब्रांच मिल रही है उसके रिजर्वेशन के लिए। देखिए बाय चांस अगर आप लास्ट राउंड तक जाते हैं, तीनों राउंड में आपने काउंसलिंग करवाई और आपको पता चला कि जो फर्स्ट राउंड में मुझे कॉलेज मिला है वही कॉलेज सबसे बेस्ट है, तो वापस आके आप उस कॉलेज में एडमिशन करवा पाएंगे, और ये तब पॉसिबल होगा जब आप यहां पे 3,000 रुपए सबमिट करेंगे। अगर नहीं करेंगे तो आप तो काउंसलिंग में ही नहीं भाग ले पाएंगे, फिर उसके बाद वहीं पे फर्स्ट राउंड में ही आपका फिनिश हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। तो यहां पे आपको सिक्योरिटी फीस देनी है। देखिए बाद में ये आपकी फीस के साथ ऐड हो जाएगा, कोई अलग से यहां पे 3,000 नहीं देने आपको, ये ऐड हो जाएगा आपका, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। यहाँ पे देखिए सेकेंड राउंड के लिए यहाँ पे लिखा हुआ है, ये देखिए सेकेंड राउंड सिक्योरिटी फीस 3,000 रुपए आपको देनी है जो फ्लोट सेलेक्ट करेगा, ये मैंने आपको समझा दिया, और जिन्होंने फ्रीज सेलेक्ट किया है उसको पूरी फीस सबमिट करनी है, जो इंस्टीट्यूट फीस होगी आपकी जो भी करीब 11 से 12,000 के बीच में होगी, जो फ्रीज कैंडिडेट है उनको अपने लॉगिन के थ्रू पूरी फीस सबमिट करनी है यहाँ पे 23 सितंबर से लेके 24 सितंबर के बीच में। डेट को अच्छे से पढ़ लीजिएगा, अगर डेट निकल गई ना
तो ना फीस आपकी सबमिट हो पाएगी और ना ही आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो पाएगा। देखिए डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की डेट आपकी यहाँ पे लिखी हुई है 23 से 24 के बीच में, और 23 से 24 के बीच में ही आपको यहाँ पे अपनी फीस भी सबमिट करनी है जो फ्रीज सेलेक्ट करेंगे। ये केवल फ्रीज वालों के लिए है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, फ्रीज स्टूडेंट जो फ्रीज का ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे उनके लिए है और पूरी फीस सबमिट उन्हीं को करनी है, ठीक है। और जो फ्लोट सेलेक्ट करेगा वो नेक्स्ट राउंड के लिए जाएगा। तो यहां पे देखिए पॉइंट नंबर 11 पे आइए, यहां पे लिखा है यहां से थर्ड राउंड के लिए न्यू रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होगा। अगर आपने पहले या दूसरे राउंड में रजिस्ट्रेशन किया है तो यहां पे रजिस्ट्रेशन फीस आपको नहीं देनी है, एक ही बार देनी है, ध्यान रखिएगा। या अगर आप तीसरे ही राउंड से अपनी काउंसलिंग स्टार्ट करवा रहे हैं तो यहां पे आपको फीस सबमिट करनी होगी, रजिस्ट्रेशन फीस आपको देनी होगी। कितनी? 300 रुपए, मैंने आपको बता दिया ऊपर ही। कब से स्टार्ट होगा? 25 सितंबर से 26 सितंबर के बीच में आपका यहां पे रजिस्ट्रेशन होगा। फिर इसके बाद पॉइंट नंबर 12 पढ़िए, थर्ड राउंड चॉइस फिलिंग एंड लॉकिंग बाय न्यू कैंडिडेट्स एंड फ्लोट कैंडिडेट्स ऑफ सेकेंड राउंड। यानी सेकेंड राउंड में देखिए जिन स्टूडेंट्स ने फ्लोट का ऑप्शन सेलेक्ट किया है वो यहां पे अपनी चॉइस सेलेक्ट कर सकते हैं, कॉलेज एंड ब्रांच सेलेक्ट कर सकते हैं और अनलिमिटेड चॉइसेस में भी फील्ड, यानी आपको जितने कॉलेज भरने आप भर सकते हैं, जितनी ब्रांच आपको भरने आप यहां पे सेलेक्ट कर सकते हैं। ये इसकी डेट भी सेम यही है, 25 से लेकर 26 के बीच में आपका रजिस्ट्रेशन भी होगा और आपको यहां पे कॉलेज एंड ब्रांच भी सेलेक्ट करनी होगी, यानी चॉइस लॉकिंग आपको यहां पे करनी है, ठीक है। ये थर्ड राउंड के लिए है। फिर इसके बाद देखिए पॉइंट नंबर 13 आपका दिया है, थर्ड राउंड ऑफ सीट अलॉटमेंट All candidates are freeze, यानी यहाँ पे आपको freeze का ही option select करना है। अब आप यहाँ पे float का option नहीं select कर सकते, साफ साफ लिखा है All candidates are freeze, यानी सभी का यहाँ पे freeze ही माना जाएगा। जो college आपको third round में मिलेगा वो तो आपको लेना ही लेना है, इसके लिए आपके पास कोई option नहीं होगा। पहले दो राउंड में आपके पास ऑप्शन था, फर्स्ट राउंड में आप फ्लोट चूज कर सकते थे, सेकेंड राउंड में आप चूज कर सकते थे, लेकिन थर्ड राउंड में ऑल कैंडिडेट्स आर फ्रीज। यहां पे डेट लिखी है 27th of September 2021, ये आपका लिखा हुआ है। पॉइंट नंबर 14 यहां पे पढ़िए, यहां पे लिखा है थर्ड राउंड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एट द डिस्ट्रिक्ट हेल्प सेंटर्स All allotted students will be treated as a freeze candidates. यानी जितने भी आप देखिए स्टूडेंट्स हैं जिनको यहाँ पे कॉलेज अलॉट हुआ है वो सब यहाँ पे फ्रीज कैंडिडेट्स ही माने जाएंगे, मतलब आपको फ्रीज ही करना है, वहां पे आपके लिए फ्लोट का ऑप्शन नहीं होगा। अगर नहीं करेंगे वैसे ही आप यहाँ पे फ्रीज माने जाएंगे। फ्रीज का मतलब ये हो जाएगा कि अब आपको यहाँ पे पूरी फीस सबमिट करनी होगी थर्ड राउंड में, जो भी कॉलेज आपको मिला हुआ हो। अब एक बात मैं आपको समझा दूं, देखिए थर्ड राउंड में आपको कोई कॉलेज मिला, देखिए फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड, फर्स्ट राउंड में आपको कोई कॉलेज मिला था वो आपको पसंद नहीं आया, आपने फ्लोट कर दिया, सेकंड में गए, सेकंड में आपको नहीं पसंद आया आपने फ्लोट कर दिया, फिर आप थर्ड में गए, ठीक है। और देखिए यहाँ पे आपने एक बार सिक्योरिटी फीस 3000 रुपये सबमिट की हुई है, ठीक है। जब थर्ड राउंड तक आपका रिजल्ट आ गया, तीनों राउंड्स में आपने चेक कर लिया जो कॉलेज आपको मिले हुए थे। अब देखिए फर्स्ट राउंड में बाय चांस आपको सबसे अच्छा कॉलेज मिला था, उसके बाद सेकंड में ना थर्ड में आपको नहीं मिला, तो आप फर्स्ट राउंड वाला सेलेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि आपने 3000 रुपये यहाँ पे सिक्योरिटी फीस दे रखी है तो वो सीट आपकी रिजर्व होती है, ध्यान रखिएगा, तो वो आप सेलेक्ट कर सकते हैं। और जब आप एडमिशन लेंगे तो 3000 रुपये आपकी यहाँ पे ऐड हो जाएंगे उसी फीस में, जो आपकी यहाँ पे एडमिशन फीस होती है टोटल उसी में 3000 आपके ऐड हो जाएंगे। तो इसीलिए आप लोगों से लिया जा रहा था 3000 रुपये जो फ्लोट वाले थे, ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे थर्ड राउंड में यहाँ पे देखिए आप लोग देख पा रहे होंगे लिखा है थर्ड राउंड इंस्टीट्यूट फीस डिपोजिशन बाय द कैंडिडेट थ्रू देयर लॉगिन। इसकी डेट आपकी दी गई है 28/9/2021 से 30/9/2021 तक, और उससे पहले देखिए लिखा था थर्ड राउंड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एट द डिस्ट्रिक्ट हेल्प सेंटर्स ऑल अलॉटेड स्टूडेंट्स विल बी ट्रीटेड एज अ फ्रीज कैंडिडेट्स। देखिए डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए 28/9/2021 से 30/9/2021 तक का समय है आपके पास, यहाँ पे टाइम भी लिखा अप टू 5 PM ओनली, समय देख लीजिएगा, ठीक है। और यहां पे देखिए आपका लिखा हुआ जो थर्ड राउंड के लिए आपको फीस सबमिट करनी है, अब तो सबमिट करनी ही करनी है, यहां पे अब आपके पास ऑप्शन नहीं, अगर आपको एडमिशन लेना है तो यहां पे 28/9 से, ठीक है, यहां पे सेम वही डेट लिखी है 28/9 से 30/9 तक आपको अपनी फीस सबमिट कर देनी है। यहां पे इसके बाद देख पा रहे होंगे यहां पे एडमिटेड सीट विड्रॉल आपका ये लिखा हुआ है 18/9/2021 से 30/9/2021 के बीच में, ये आप कर सकते हैं। देखिए
और आपका जो यहाँ पे न्यू सेशन स्टार्ट होगा 2021 और 22 के लिए, ये आपका स्टार्ट हो जाएगा 1 अक्टूबर से, यानी 1 अक्टूबर से जो फर्स्ट सेमेस्टर होगा वो स्टार्ट हो जाएगा। तो ये काउंसलिंग की पूरी प्रोसेस आपकी यहाँ पे लिखी हुई थी। देखिए आपको डेट पे ध्यान देना है, जो डेट आपकी लिखी है इसको अच्छे से चेक कर लीजिएगा। ये नोटिफिकेशन आप ऑफिशियल वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं। अब हम आते हैं यहाँ पे नोट पॉइंट्स में, आपको बता देता हूँ। देखिए इंपॉर्टेंट नोट पॉइंट्स लिखे हैं कि प्रथम द्वितीय एवं तृतीय चरण में, यानी फर्स्ट से लेकर थर्ड राउंड की काउंसलिंग में, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन प्रदेश के सभी जनपदों में बने सहायता केंद्रों पर किया जाएगा। अभ्यर्थी अपने जनपद में ही प्रवेश की प्रक्रिया पूर्ण कर सकेंगे। ये आपके पास ऑप्शन है। आप जब काउंसलिंग करवाने के लिए जाएंगे अपनी ही डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कीजिएगा, बाहर मत सेलेक्ट कीजिएगा, नहीं तो आपको दूर जाना पड़ेगा। फिर इसके बाद लिखा है कि प्रथम तीन चरण केवल उत्तर प्रदेश राज्य के संयुक्त प्रवेश परीक्षा में उत्तीर्ण अभ्यर्थियों की काउंसलिंग तथा प्रवेश के लिए है। अन्य राज्य के अभ्यर्थी चतुर्थ चरण की काउंसलिंग में भाग ले सकते हैं। देखिए तीन राउंड कंप्लीट होने के बाद जो फोर्थ राउंड स्टार्ट होगा, यहाँ पे जो फोर्थ राउंड स्टार्ट होगा वो अदर स्टेट के कैंडिडेट्स के लिए है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, जो फोर्थ राउंड आपका स्टार्ट होगा इसमें अदर स्टेट के कैंडिडेट्स यहाँ पे पार्टिसिपेट कर पाएंगे। स्टार्टिंग के तीन राउंड्स केवल यूपी के स्टूडेंट्स के लिए है, ये ध्यान रखना है। फिर इसके बाद थर्ड पॉइंट, सीट आवंटन के पश्चात फ्लोट फ्रीज विकल्प का चयन करना होगा। ये तो मैंने आपको ऊपर ही बताया। फ्लोट विकल्प का चयन करने की दशा में अभ्यर्थी को ₹3,000 सिक्योरिटी राशि जमा करनी होगी। ऊपर मैंने आपको बता दिया है क्यों 3,000 आपको जमा करने, ताकि आप अगले राउंड में काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर पाए और प्लस अपनी सीट यहां पे जो मिली है वो आप रिजर्व करवा पाए, जो आपको फर्स्ट राउंड में मिली या फिर सेकेंड राउंड में। ठीक है, एक ही बार 3,000 देना है, बार बार नहीं, ध्यान रखिएगा। और बाद में आपकी फीस में ऐड हो जाएगा, कोई अलग से यहां पे नहीं है। फिर इसके बाद फ्रीज विकल्प का चयन करने की दशा में अभिलेख सत्यापन हेतु, यानी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हेतु, जनपद में बने सहायता केंद्र पर स्टूडेंट्स को जाना होगा। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के पश्चात संस्था का प्रवेश शुल्क ऑनलाइन जमा करने की कार्यवाही पूर्ण करनी होगी। पहले डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, फिर आपको यहां पे पूरी फीस सबमिट करनी होगी, जो फ्रीज का ऑप्शन चुन रहे हैं, ध्यान रखिएगा। अगर आपको फ्रीज एंड फ्लोट में अभी भी कोई कंफ्यूजन है कमेंट करके बताइएगा, अलग से वीडियो बना दूंगा। फिर इसके बाद यहां पर देखिए, यहाँ पे आपका लिखा हुआ है फोर्थ पॉइंट कि प्रथम चरण में सीट आवंटन के पश्चात, यानी जो सीट आपको अलॉट की जाएगी उसके पश्चात यदि कोई अभ्यर्थी फ्लोट के विकल्प के चयन के पश्चात सिक्योरिटी राशि नहीं जमा करता है तो वह द्वितीय व तृतीय काउंसलिंग के लिए पात्र नहीं होगा। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट मैंने आपको ऊपर ही समझा दिया है। अगर आप लोग देखिए फर्स्ट राउंड में अगर आप लोग फ्लोट का ऑप्शन सेलेक्ट करते हैं, फ्लोट करते हैं, आपको कॉलेज नहीं पसंद है, ब्रांच नहीं पसंद है, तो आपको वहां पे ₹3,000 सिक्योरिटी फीस देनी ही देनी है। अगर नहीं देंगे तो आप अगले राउंड में काउंसलिंग आपको करवाने को नहीं मिलेगी, यानी आप अगले दो राउंड में काउंसलिंग ही नहीं करवा पाएंगे। साफ साफ लिखा है कि प्रथम चरण में सीट आवंटन के पश्चात यदि कोई अभ्यर्थी फ्लोट विकल्प के चयन के पश्चात सिक्योरिटी राशि नहीं जमा करता है तो वह द्वितीय व तृतीय चरण की काउंसलिंग के लिए पात्र नहीं होगा। इस फिर इसके बाद फ्रीज के लिए बताया गया, इसी प्रकार फ्रीज विकल्प का चयन करने के पश्चात यदि अभ्यर्थी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं कराता है अथवा प्रवेश शुल्क निर्धारित अवधि में जमा नहीं करता है तो वह द्वितीय व तृतीय चरण की काउंसलिंग के लिए पात्र नहीं होगा। यानी अगर आपने फ्रीज का ऑप्शन चुना, इसका मतलब कॉलेज आपको पसंद है, आपको एडमिशन करवाना है, और फिर वहां पे आपको टाइम रहते जो समय दिया गया है उसी समय में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाना है, इसीलिए मैंने आपको बता दिया अपने डॉक्यूमेंट्स रेडी रखिए। अगर डॉक्यूमेंट रेडी नहीं होंगे तो आपको अलग से कोई समय नहीं मिलने वाला, फिर आपका एडमिशन भी यहाँ पे कैंसिल हो सकता है। तो फ्रीज का मतलब आपको यहाँ पे जो टाइम आपको दिया जाएगा उसी टाइम में आपको अपना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाना है एंड टाइम के अकॉर्डिंग ही अपनी फीस, आपको पूरी फीस सबमिट करनी है। यहां पे आपसे कोई सिक्योरिटी फीस नहीं ली जा रही है जो फ्रीज का ऑप्शन चूज कर रहे हैं। फ्रीज का मतलब है आपको पूरी फीस जमा करनी है। ये सिक्योरिटी फीस उन लोगों को जमा करनी है जो यहां पे फ्लोट के ऑप्शन को सिलेक्ट कर रहे हैं। फ्रीज का मतलब यह हो जाएगा कि आपको पूरी फीस ही एक साथ सबमिट करनी है, और फ्लोट का मतलब है 3,000 देकर अपना यहां पे आपको सिक्योरिटी फीस सबमिट करनी है, सीट
रिजर्वेशन के लिए, ताकि आप अगले राउंड में अगर आपको कोई कॉलेज ना मिले तो जो फर्स्ट राउंड में मिला है उसी में आप एडमिशन ले पाए, और सिक्योरिटी फीस आपकी बाद में ऐड हो जाएगी आपकी फीस में, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो यहां पे लिखा हुआ है, इसी प्रकार फ्रीज विकल्प का चयन करने के पश्चात यदि अभ्यर्थी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं कराता अथवा प्रवेश शुल्क निर्धारित अवधि में जमा नहीं करता तो वह द्वितीय व तृतीय चरण की काउंसलिंग के लिए पात्र नहीं होगा। यह आपका लिखा हुआ है, जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे। देखिए, अगर आपने एक बार फ्रीज सेलेक्ट कर लिया और फिर अगर आपने फीस भी नहीं जमा की, ठीक है, फ्रीज आपने सेलेक्ट किया, ना आपने फीस जमा की, ना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराया, फिर वहीं पे आप देखिए उसी राउंड में आप फिर काउंसलिंग करवा पाएंगे। फर्स्ट राउंड में करवाया आपने, समझ लीजिए, फर्स्ट राउंड में आपने काउंसलिंग करवाया, आपने फ्रीज सेलेक्ट किया, फिर उसके बाद आपने क्या किया, ना आपने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराया और ना ही आपने यहाँ पे फीस सबमिट की, तो वहीं पे आप फिर उसके बाद आगे आप कुछ नहीं कर पाएंगे, फिर वहीं पे आपका फिनिश हो जाएगा। इसका मतलब ये हो जाएगा अब आपका एडमिशन नहीं होगा। ठीक है, आगे ये मत सोचिएगा कि हम यहाँ पे पहले राउंड में हमने फ्रीज सेलेक्ट कर लिया और ना हम फीस जमा करें और ना ही डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराएं और अगले राउंड में काउंसलिंग करवाने के लिए चले जाएं, तो ऐसा नहीं है। अगर नहीं पसंद होगा तो फ्लोट कर दीजिएगा, फ्रीज मत कीजिएगा। फिर पहले मैं आपको समझा दे रहा हूँ, अगर फ्रीज करने के बाद आपने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं करवाया या फिर फीस सबमिट नहीं की, तो यहीं पे आपका एडमिशन कैंसिल हो जाएगा, किसी भी राउंड में आप काउंसलिंग नहीं करवा पाएंगे। ये ध्यान रखिएगा, इस लाइन को अच्छे से पढ़ लीजिएगा। ऐसे अभ्यर्थी चतुर्थ चरण में पुनः काउंसलिंग में भाग ले सकते हैं। ठीक है, ये लिखा हुआ है, देखिए यहाँ पे एक ऑप्शन दिया है, आगे लिखा है कि ऐसे अभ्यर्थी यहाँ पे चतुर्थ चरण में पुनः काउंसलिंग में भाग ले सकते हैं। अब देखिए फोर्थ राउंड में, देखिए तीन राउंड तक तो वैसे भी यहाँ पे सीट आधे से ज़्यादा फिलअप हो जाएंगी, तो ऐसी गलती मत कीजिएगा, जो आपको मिल रहा है उसी में देख लीजिएगा। फर्स्ट सेकेंड थर्ड राउंड में आपको आगे यहाँ पे जाने की जरूरत ना पड़े। ठीक है, यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है, यहाँ पे देखिए वह द्वितीय व तृतीय चरण की काउंसलिंग के लिए पात्र नहीं होगा, मतलब सेकेंड थर्ड के लिए फिर आप नहीं कर पाएंगे, लेकिन लेकिन आपके पास एक ऑप्शन है, ऐसे अभ्यर्थी चतुर्थ चरण में पुनः काउंसलिंग में भाग ले सकते हैं। इसी प्रकार द्वितीय चरण की काउंसलिंग में भी यह प्रक्रिया लागू होगी, ये आपका यहाँ पे लिखा हुआ है। एक बार मैं फिर से समझा देता हूँ, अगर बाय चांस आपने फ्रीज का ऑप्शन सेलेक्ट किया और ना आपने फीस सबमिट की और ना ही डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराया, ठीक है, तो फिर क्या होगा, आप स्टार्टिंग के, फिर इसके बाद देखिए पहले राउंड में तो आपने ले ही लिया, सेकेंड और थर्ड राउंड में फिर आप यहाँ पे काउंसलिंग नहीं करवा पाएंगे। उसके बाद आप फोर्थ राउंड में एलिजिबल होंगे, और फोर्थ राउंड मुझे लगता है ये आपका लास्ट हो सकता है, इसके बाद कोई काउंसलिंग ना हो। अब जैसे बताया जाएगा, ऑफिशियल इन्फॉर्मेशन आएगी, मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा, लेकिन इतना समझ लीजिए कि एक दो तीन, ये जो तीनों राउंड्स हैं ये यूपी के स्टूडेंट्स के लिए हैं, और यहीं पर मैक्सिमम सीट क्या हो जाएंगी आपकी, यहाँ पे मैक्सिमम सीट फिलअप हो जाएंगी, अच्छी ब्रांचेस जो होंगी वो इन्हीं तीन राउंड में आपको मिल पाएंगी। फिर इसके बाद फोर्थ राउंड में हो सकता है कोई स्टूडेंट यहाँ पे एडमिशन ना ले, या फिर इस बार सीटें ज़्यादा हैं तो फोर्थ राउंड में भी चांसेस बनते हैं, लेकिन कोशिश आपकी यही होनी चाहिए कि पहले तीन राउंड में आप अपना यहाँ पे जो भी ब्रांच आपको सेलेक्ट करनी, कॉलेज सेलेक्ट करना, सेलेक्ट कर लीजिए और इसी बीच में अपना एडमिशन ले लीजिए। तो यहाँ पे मैंने आपको सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट बता दिया। अब इसके बाद देखिए कुछ और पॉइंट्स दिए गए हैं, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के पश्चात राजकीय तथा अनुदानित पॉलिटेक्निक संस्थाओं के अभ्यर्थी अपने लॉगिन से संपूर्ण शुल्क जमा करेंगे, निजी पॉलिटेक्निक संस्थाओं में प्रवेशित अभ्यर्थी केवल ₹3,000 अपने लॉगिन के माध्यम से प्रत्येक चरण के निर्धारित तिथि तथा समय तक जमा करेंगे, जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे, शेष शुल्क अभ्यर्थी संस्था में उपस्थित होकर जमा करेंगे। यदि संयुक्त प्रवेश परीक्षा 2021 में उत्तीर्ण अभ्यर्थी प्रथम चरण में रजिस्ट्रेशन नहीं कराता तो वह द्वितीय चरण में रजिस्ट्रेशन कराकर काउंसलिंग में भाग ले सकता है। इसी प्रकार द्वितीय चरण तक रजिस्ट्रेशन न कराने वाले अभ्यर्थी तृतीय चरण में रजिस्ट्रेशन कराकर काउंसलिंग में भाग ले सकते हैं। ठीक है, आपको ध्यान रखना है, रजिस्ट्रेशन के समय अभ्यर्थी को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए एक जनपद का चुनाव करना होगा, ये तो मैंने आपको बताया, अपनी ही डिस्ट्रिक्ट आपको सेलेक्ट करनी है, और आवंटित पॉलिटेक्निक संस्था में मूल अभिलेखों तथा एक एक छाया प्रति के साथ, देखिए जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराए जाएंगे, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट प्लस आपको यहाँ पे एक एक छाया प्रति यानी फोटोकॉपी के साथ आवंटन के चरण की निर्धारित तिथियों में ही उपस्थित होना होगा, अन्यथा उसका आवंटन निरस्त माना जाएगा, जो स्टूडेंट है उसका आवंटन निरस्त माना जाएगा। फिर इसके बाद यहाँ पे लिखा है कि प्रवेशित सीटों को छोड़ने यानी एडमिटेड सीट विड्रॉ की दशा में आवंटित संस्था एवं पाठ्यक्रम पूर्णतया निरस्त हो जाएगा,
पूर्णतया क्या हो जाएगा, निरस्त हो जाएगा, यह आपको ध्यान रखना है। एवं जमा किया गया संपूर्ण प्रवेश शुल्क वापस कर दिया जाएगा, परंतु ऐसे अभ्यर्थी काउंसलिंग के समस्त चरणों से बाहर हो जाएंगे एवं किसी भी दशा में वो सत्र 2021-22 में प्रवेश पात्र नहीं होंगे। तो ये आपकी पूरी इन्फॉर्मेशन लिखी हुई थी जो कि मैंने आपको पढ़ के बता दी है। अगर कोई पॉइंट आपका यहाँ पे क्लियर नहीं है तो आप कमेंट कर सकते हैं, या फिर जिस पॉइंट में आपको प्रॉब्लम है कमेंट करके बताइएगा, उस पॉइंट से रिलेटेड मैं एक डेडिकेटेड वीडियो अलग से बना दूंगा। लेकिन यहां पे देखिए आपको ये डेट्स ध्यान रखनी है, जो डेट आपकी लिखी गई है ये आपको यहां पे ध्यान रखनी है, इन डेट को अच्छे से देख लीजिएगा। और ये जो नोटिफिकेशन है आप यूपी पॉलिटेक्निक की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाकर डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है, वहां पे दिया गया है। अगर इसके अलावा आपका कोई क्वेश्चन है तो आप उसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा और साथ ही साथ हमारे चैनल स्टडी विद अभिमान को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। Thanks for watching.